हरियाणा के पूर्व सैनिक की खुदकुशी के मामले पर सियासत पंजाब में भी जारी है। इस मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को लताड़ा, तो वहीं मृतक परिवार के साथ भी संवेदना प्रकट की। साथ ही पंजाब कांग्रेस आज ओआरओपी के मुद्दे पर राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को ज्ञापन सौंपने जा रही है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर रामकिशन गरेवाल के खुदकुशी करने और राहुल गांधी को हिरासत में लेने के मुद्दों पर पंजाब कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि पार्टी पूरे सूबे में धरना प्रदर्शन करेगी। ऑन दिस इशू ऑफ दिस इल ट्रीटमेंट ऑफ दैट सूबेदार गरेवाल्स फैमिली एंड ऑन द केस ऑफ द अरेस्ट ऑफ आवर डिटेनिंग ऑफ आवर वाइस प्रेसिडेंट इन द होल ऑफ पंजाब इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट्स we are going to have dharnas which will be people will appraise people of what is going on there and we the senior leadership of the congress party will take time with the governor and we will submit a memorandum to him. captain amrinder singh ne one rank one pension ke mudde par desh ke raksha mantri ko bhi nishane par liya jisme unhone kaha ki manohar parrikar ko kisanon se jude maslon ki samajh nahi hai aur unhe raksha mantri ke pad se hata dena chahiye. Incompetent. I have told Prime Minister, remove him. He can't handle anything. He doesn't understand the ethos of the services. Othe kisi nu liao, jehda Punjab di, jehda faujiyan da the understanding kare. You have got people. Put somebody there who can understand. बुधवार को रामकिशन गरेवाल के परिवार से मिलने जा रहे राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। इस बीच पंजाब कांग्रेस को सरकार को घेरने का मुद्दा तो मिल ही गया है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़।